आज हम प्रायिकता के अंतर्गत प्रतिबंधी प्रायिकता संबंधित कुछ सवाल देखेंगे तथा क्रमचय संचय पर आधारित प्रायिकता संबंधी कुछ सवाल हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं हम प्रतिबंधी प्रायिकता पर आधारित। प्रतिबंधी प्रायिकता क्या होती है, इसके संबंध में हमने आपको पहले पूर्व पीरियड में बता दिया है ना। तो चलिए हम प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी दैट इज पी बी इज इक्वल टू 1/9 तथा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/18 हो, तब निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला हमें मान ज्ञात करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, और तीसरा मान हमें ज्ञात करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट ए यूनियन बी। ये हमारे पास प्रश्न है, हमें दिया है कि एक घटना ए की प्रायिकता पी ए बराबर 1/2, दूसरी घटना बी की प्रायिकता पी बी बराबर 1/9 तथा पी ए इंटरसेक्शन बी ए सर्वनिष्ठ बी, इसको क्या बोलते हैं, कौन सा चिन्ह, सर्वनिष्ठ, हिंदी में बोलेंगे तो सर्वनिष्ठ, इंग्लिश में बोलेंगे तो इंटरसेक्शन। ठीक है, बराबर दिया 1/18 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करो, पी ए बाई बी, दूसरा पी बी बाई ए, और तीसरा पी ए संग बी, ये कौन सा चिन्ह है, संग, इसको क्या बोला जाता है, संग, और इंग्लिश में बोलेंगे तो यूनियन। ठीक है, तो पहले हम लेते हैं, पहला हम निकालेंगे, यहां पे हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, ज्ञात है या दिया है पी ए इज इक्वल टू 1/2, पी बी इज इक्वल टू 1/9 और पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/18, ये ज्ञात है। तब पहला अर्थात पी ए बाई बी, इसको क्या बोलेंगे, घटना ए की ये प्रतिबंधी प्रायिकता है जबकि घटना बी घटित हो चुकी है ना। अर्थात पी ए बाई बी में प्रतिदर्श समष्टि का काम क्या करेगा, बी करेगा, घटना बी के जो सदस्य हैं है ना, अवयव है, वो किसका काम करेंगे, प्रतिदर्श समष्टि का। और इसका हम क्या सूत्र जानते हैं, आपको लिखवाया जा चुका है, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, यहां हम मान रखेंगे, तो मान रखने पर यहां से हमें इसका मान ज्ञात है पी ए इंटरसेक्शन बी 1/18 यहां से रखेंगे, और पी बी का मान हमें ज्ञात है 1/9 ये मान रखेंगे, तो ये मान हमें प्राप्त हुआ 1/18 होल अपान 1/9, आगे हल करने पर ये हमें प्राप्त होगा 9/18 दैट इज 1/2, और ये हमारा आंसर होगा।
ठीक है, सीधा सीधा आपको फार्मूले पे मान रखना है। ये घटना ए की प्रतिबंधी प्रायिकता जबकि घटना बी घटित हो चुकी है। दूसरा हमको ज्ञात करना है घटना बी की प्रतिबंधी प्रायिकता जबकि घटना ए घटित हो चुकी है। पी बी बाई ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। यहां प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्रतिदर्श समष्टि का काम करेगा, ठीक है, प्रतिदर्श समष्टि का जो घटना ए के जो अवयव रहेंगे वो क्या करेंगे, प्रतिदर्श समष्टि काम करेंगे, है ना। तो घटना ए से जो प्रायिकता हम ज्ञात करेंगे पी ए, ये हमारा प्रतिदर्श समष्टि होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी बाई ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। यहाँ पे हम मान रखेंगे, तो मान रखने पर यहाँ से हमें मान ज्ञात है 1/18 का संपूर्ण बटा ए की प्रायिकता कितनी ज्ञात है हमें, 1/2। हल करने पर ही हमें प्राप्त होगा 2/18 अर्थात 1/9 और ये हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार तीसरी स्थिति में हमें ज्ञात करना है पी ए यूनियन बी अर्थात घटना ए यूनियन बी की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो हमें प्राप्त होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो इसमें कौन सा सूत्र लगाएंगे, सीधा सीधा हम प्रायिकता संबंधी जो योग का प्रमेय है वो सूत्र लगा दीजिए। आपको पी ए ज्ञात है, पी बी ज्ञात है, पी ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात है, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। यहाँ हम मान रखेंगे, तो मान रखने पर हमें प्राप्त होगा पी ए की जगह कितना रखेंगे, 1/2, यहाँ से धन पी बी की जगह रखेंगे 1/9 ऋण इसके जगह रखेंगे 1/18, ठीक है। आगे हल करने पर आगे हल करने पर हम ये प्रथम दो पदों को देख लेते हैं, तो ये हमें प्राप्त होगा, इन दोनों का लघुत्तम हमें प्राप्त होगा 18 और यहां से हमें ऊपर प्राप्त होगा अंश में 9 धन 2 ऋण 1/18 अर्थात 11/18 ऋण 1/18 अर्थात 10/18 हल करने पर अर्थात 2/9 और ये हमारा उत्तर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम जो है देख लेते हैं एक बार, सॉरी बिल्कुल सही बोले आप, यहाँ पे हम देखते हैं दो सिवा इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा कितना, 5/9 बिल्कुल ठीक, ये ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, दिए गए शर्तों के तहत जो है हम प्रतिबंधी प्रायिकता संबंधी विभिन्न सवाल जो है हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न है एक और प्रतिबंधी प्रायिकता संबंधी ही,
एक कक्षा में तीस प्रतिशत विद्यार्थी भौतिक में भौतिकी में 25 प्रतिशत गणित में 10 प्रतिशत दोनों विषयों में फेल होते हैं। एक छात्र या दीक्षा चुना जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए, पहला गणित में फेल होता है यदि भौतिक में फेल है, दूसरा भौतिक में फेल है, सॉरी भौतिक में फेल होता है यदि गणित में फेल है, या गणित में फेल हो चुका है। और तीसरा शर्त हम लेते हैं गणित या भौतिक में फेल है, गणित या भौतिक में फेल है। ये हमारे पास प्रश्न है। देखते हैं प्रश्न एक बार पुनः। एक कक्षा में 30 प्रतिशत विद्यार्थी भौतिकी में, 25 प्रतिशत गणित में तथा 10 प्रतिशत दोनों विषयों में फेल होते हैं। यदि एक छात्र यदीक्षा चुना जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला गणित में फेल होता है यदि भौतिक में फेल है या फेल हो चुका है। दूसरा हमको प्रायिकता ज्ञात करना है, भौतिक में फेल होता है यदि गणित में फेल है या फेल हो चुका होता है। और तीसरा हमको प्रायिकता ज्ञात करना है जबकि गणित या भौतिक में फेल है। ठीक है, तो इसका हल होगा, हम मानते हैं पहला कि माना ए बराबर भौतिक में फेल होने की घटना, और बी बराबर मानते हैं गणित में फेल होने की
घटना, ठीक है। हम एक क्या मान लेते हैं, भौतिक में फैल होने की घटना है और बी जो है गणित में फैल होने की घटना। तब प्रश्न अनुसार हमें ज्ञात है भौतिक में फेल होने की प्रायिकता कितनी दी गई है, 30%। तब पी ए बराबर हो जाएगा 30%, अर्थात कितना होगा 30/100। और आप हल कर सकते हैं तो कितना प्राप्त होगा हमें, 3/10, ठीक है। एवं पीबी कितना मिलेगा हमें, पीबी अर्थात गणित में फेल होने की प्रायिकता ये दिया है 25% बराबर 25/100 अर्थात 1/4। और क्या शर्त दिया है कि 10% दोनों विषयों में फेल होते हैं, तथा 10% दोनों विषयों में फेल होते हैं तब पी ए इंटरसेक्शन बी अर्थात ए तथा बी दोनों में फेल होने की प्रायिकता कितना हमें दिया है, 10%, अर्थात यह हमें प्राप्त होगा 10/100 अर्थात 1/10। ये हमने प्रश्नानुसार प्राप्त कर लिया, ठीक है। अब हम लेते हैं पहला स्थिति, गणित में फेल होता है यदि भौतिक में फेल हो चुका है, प्रतिबंधी प्रायिकता का सवाल है ना। लड़का गणित में फेल होता है यदि वह पहले ही किस में फेल हो चुका है, भौतिक में। तब पहला, पुनः शब्दों में लिख लें, गणित में फेल होता है यदि वह भौतिक में फेल हो चुका है या भौतिक में फेल है, फेल हो चुका है। इसलिए हमें किसका मान निकालना पड़ेगा, हम जो है भौतिक में फेल होने की घटना को ए मान रहे हैं, ठीक है, भौतिक में फेल होने की घटना को ए मान रहे हैं। तो और ये गणित में फेल होने की घटना हमें ज्ञात करना है, उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो यहां हमें निकालना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। भौतिक में फेल हो चुका है तो गणित में फेल होने की घटना का हमें जो है प्रायिकता ज्ञात करना है। ये बराबर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट ए, मान रख दीजिए, मान रखने पर हमें प्राप्त होगा 1/10 का संपूर्ण बटे, पी ए का मान कितना हमें ज्ञात है, 3/10। आगे हल करने पर ये हमें प्राप्त होगा, इधर मिटा दें, आगे हल करने पर हमें प्राप्त होगा, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए इज इक्वल टू 1/3। अर्थात गणित में फेल होता है यदि भौतिक में फेल हो चुका है तो उसकी प्रायिकता हमें कितनी मिलेगी, 1/3। दूसरा, भौतिक में फेल होता है यदि गणित में फेल हो चुका है, तब हमें क्या याद करना है, पी ए बाई बी, है ना। और ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए आप लोग, ठीक है।
चलिए अब इसे आगे हल करते हैं। आगे हल करने पर हमें प्राप्त होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, हमें ए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन बी कितना ज्ञात हुआ था, 1/10। यहां से भी हम देख सकते हैं, ठीक है ना, हमने अभी कितना ज्ञात किया था, 1/10, ये हो जाएगा 1/10 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है ना 1/4। हल करें तो हमें प्राप्त होगा 1/10 गुणित 4/1 बराबर 4/10 अर्थात 2/5, ठीक है। अब हम तीसरा स्थिति देखेंगे कि गणित या भौतिक में फेल है, ठीक है, या गणित में फेल है या भौतिक में फेल है, तो तीसरा कंडीशन हमारा अप्लाई होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन बी। यहां हम मान रखेंगे, मान रखने पर हमें प्रायिकता पी ए का मान कितना ज्ञात हुआ था, 3/10 धन पी बी का मान हमें ज्ञात हुआ था 1/4 और पी ए इंटरसेक्शन बी का मान हमें कितना ज्ञात हुआ था 1/10। आगे हल करने पर हम यहाँ a बटे बी धन सी बटे डी वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 12 × 10/40 × 1/10। आगे हल करने पर 12 × 10 = 22/40 × 1/10। अब आप चाहे तो इसे लघुत्तम लेके भी हल कर सकते हैं, है ना, तो लघुत्तम कितना आएगा, इसका लघुत्तम हमें प्राप्त होगा 40, तो ये होगा 40, ठीक है। और यहां से हम देखते हैं 22, ठीक है, 40 / 40 1 × 22 = 22 ऋण 4, ठीक है, 10 × 4 = 40, 4 = 4, 22 में से 4 को घटाएंगे कितना प्राप्त होगा 18/40। इसे और सरल कर सकते हैं हम, और सरल करने पर 2 × 18 और 20 × 40, ये हमारा अभीष्ट उत्तर प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम प्रतिबंधी प्रायिकता पर आधारित सवालों को हल कर सकते हैं, ठीक है, कॉपी कर लीजिएगा। इधर आप लोग कॉपी कर लिए होंगे, yes।
चलिए अब हम प्रायिकता संबंधी ऐसे प्रश्न उठाते हैं जो क्रमचय और संचय पर आधारित है। जैसे एक प्रश्न लेते हैं, एक थैली में आठ काली तथा पांच सफेद गेंदे हैं। उनमें से दो गेंद बाहर निकाली जाती है प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कि दोनों गेंद सफेद हों के दोनों गेंद सफेद हों। देखते हैं प्रश्न में, एक थैली में आठ काली तथा पांच सफेद गेंदे हैं, उनमें से दो गेंद बाहर निकाली जाती है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों गेंद जो है कैसी हों, सफेद हों। यहाँ हम देखते हैं अब तक जितने भी हम प्रायिकता संबंधी सवाल हल करते थे उसमें सिर्फ एक वस्तु चुनी जाती थी पहले। यहाँ हम एक साथ कितने वस्तु चुन रहे हैं, दो। ठीक है, तो इसका हल होगा सॉल्यूशन दिया है काली गेंद ये बराबर है आठ और सफेद गेंद है एवं सफेद गेंद ये बराबर है पांच। इसलिए कुल गेंदों की संख्या कितनी हो गई, आठ धन पांच बराबर तेरह। अब तेरह में से दो गेंद चुनने के कुल तरीके, ये हमारा क्या हो जाएगा, तेरह में से जो दो गेंद चुनेंगे जो कुल तरीका प्राप्त होगा वो हमारा प्रतिदर्श समष्टि संख्या होगी। ठीक है, एन एस का काम करेगा, ये होगा 13C2। आपने 11th में संचय के बारे में पढ़ा है। ठीक है, इसी प्रकार अब वो गेंदें कैसी हों, प्रश्न अनुसार वो गेंदें दोनों सफेद हों। पुनः पांच सफेद गेंद में दो सफेद गेंद चुनने के तरीके ये होगा 5C2। ये हमारा एन ए का काम करेगा, अनुकूल स्थिति है। पांच में से हमको दो सफेद गेंद चुनना है, कितने तरीके से चुन सकते हैं, 5C2। अतः सी किस चीज के लिए आया, यहाँ पे संचय के लिए, कॉम्बिनेशन। ठीक है, अतः अभीष्ट प्रायिकता जबकि दोनों गेंदे क्या हो, सफेद हों, ये होगा
फाइव सी टू अपॉन 13C2। ठीक है, अब इसे आप आगे हल कर सकते हैं। तो चलिए हल करते हैं संचय के नियम से। ये हमें प्राप्त होगा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3। 5 माइनस 2 दैट इज फैक्टोरियल 3 बचेगा, है ना, का संपूर्ण बटा। नीचे हल करें, फैक्टोरियल 13 अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 13 माइनस 2 कितना प्राप्त होगा हमें, फैक्टोरियल 11। ये सब आप 11th की कक्षा में संचय पर आधारित प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, कैसे सरल करते हैं, ये सब आप पढ़ चुके हैं। पुनः आगे हल करते हैं तो हमें प्राप्त होगा चाहे तो हम इसका अलग अलग विस्तार कर सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हैं मान। चलिए हम अलग अलग हल करके बताते हैं आपको कि हो जाएगा फैक्टोरियल 5 को कैसे लिख सकते हैं। 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपान फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होती है, 2 इंटू फैक्टोरियल 3, ये वाला भाग, होल अपान थर्टीन इंटू 12 इंटू फैक्टोरियल 11 होल अपान पुनः फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 इंटू फैक्टोरियल 11। आगे हल करने पर हमें प्राप्त होगा फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, फैक्टोरियल 11 और ये फैक्टोरियल 11 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें प्राप्त होगा 5 इंटू 4 अपान 13 इंटू 12 और आगे सॉल्व करने पर 4 3 12, तो अभीष्ट उत्तर हमें प्राप्त होगा 5/39, 4 3 12 13 3 39। चाहे तो आप इसे ब्रैकेट में भी ऐसे रख सकते हो या गुणा का निशान लगाते हुए कर सकते हो। ये कौन सा साइन है, इनटू का साइन, ठीक है। तो ये हमारा अभीष्ट उत्तर होगा, या तो चाहे तो आप यहां से आप जो है डायरेक्ट आंसर ये रख सकते हैं, ठीक है, आप इसे रफ में भी अलग से हल कर सकते हैं और यहाँ से आप डायरेक्ट ये मान लिख सकते हैं। तो चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। हो गई, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं हम। प्रश्न है हमारा क्वेश्चन, एन पत्र और एन पते लिखे हुए लिफाफे हैं, सभी पत्रों को
सही लिफाफों में, सही लिफाफों में ना रखे जाने की प्रायिकता ज्ञात करो। ठीक है, हमारे पास प्रश्न क्या है? हमारे पास प्रश्न है एन पत्र और एन पते लिखे हुए लिफाफे हैं, सभी पत्रों को सही लिफाफों में ना रखे जाने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो इसका हल होगा, हम जो है, हमारे पास कुल कितने पत्र हैं? एन, और कितने लिफाफे हैं? एन पत्र लिफाफे हैं। तो एन पत्र और एन लिफाफों को हम कितने प्रकार से रख सकते हैं? इन्हें फैक्टोरियल एन प्रकार से रख सकते हैं। ठीक है, तो एन पत्र एवं एन पते लिखे लिफाफों को फैक्टोरियल एन प्रकार से रख सकते हैं। अतः प्रतिदर्श समष्टि संख्या ये बराबर हमें प्राप्त होगी कितने? फैक्टोरियल एन, या फिर हम इसे इस प्रकार से भी लिखते हैं, फैक्टोरियल एन। दोनों में से आप किसी भी संकेत का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब इनमें से केवल एक ही अनुकूल स्थिति बनेगी जब हम सही पत्रों को, मतलब सभी पत्रों को सही पते हुए लिफाफे में रख सकते हैं। सिर्फ एक स्थिति बनेगी, इनमें से सिर्फ एक स्थिति में ही सभी पत्रों को सही लिफाफा में रखा जा सकता है। अर्थात अनुकूल घटना की संख्या कितनी हो जाएगी? अर्थात अनुकूल घटना की संख्या ये बराबर होगा एक। अब हमें ज्ञात करना है कि सभी पत्रों को सही लिफाफों में ना रखे जाने की प्रायिकता। तो हम पहले ज्ञात कर लेते हैं सभी पत्रों को सही लिफाफों में रखे जाने की प्रायिकता ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, अतः सभी पत्रों को सही लिफाफों में रखे जाने की प्रायिकता कितनी प्राप्त होगी हमें? ये प्राप्त होगी, देखिए, अनुकूल घटनाओं की संख्या बटे प्रतिदर्श समष्टि संख्या, दैट इज वन अपॉन फैक्टोरियल एन, वन अपॉन फैक्टोरियल एन। ये क्या है? सभी पत्रों को सही लिफाफों में रखे जाने की प्रायिकता। इसलिए सही लिफाफों में ना रखे जाने की
प्रायिकता, ये बराबर हो जाएगी 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n, और ये हमारा जो है अभिष्ट उत्तर होगा, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो हमारे पास n पत्र और n पत्र भी लिफाफे हैं, उसको कितने प्रकार से हम रख सकते हैं, फैक्टोरियल n प्रकार से, उसमें से सिर्फ एक स्थिति में ही सभी पत्रों को हम सही लिफाफा में रख सकते हैं, इसलिए अनुकूल घटना की संख्या में प्राप्त हुई एक, अतः सभी पत्रों को सही लिफाफा में रखे जाने की प्रायिकता हमें प्राप्त हुआ एक बटे फैक्टोरियल एन, और हमें ज्ञात करना है सभी पत्रों को सही लिफाफों में ना रखे जाने की प्रायिकता, तो वो हमें प्राप्त होगी 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल एन। तो इस प्रकार आज हमने जो है प्रतिबंधी प्रायिकता और क्रमचय संचय पर आधारित प्रायिकता के कुछ सवाल हल करके देखे। थैंक यू।